Hello everyone! Welcome to Real Academy. Myself Vinith Moite, the faculty for biology, and we'll be looking at the chapter which is Microorganisms: Friend and foe, which is a chapter from Standard 8 CBSE. Out of this chapter, we'll be looking at one section which is called as Antibiotics. And what do we mean by antibiotics? So, firstly, if we split the word, that is anti and biotics. Anti means against, while biotics means living organisms a chemical which is against any living organism will be called as antibiotic and those chemicals are not the original or not the actual ones which are present in the nature but these chemicals are actually made by one organism against other okay like for example fungus is the organism which makes these chemicals against another organism which is bacteria so which means what for killing bacteria fungus are making some chemicals which are antibiotics this antibiotic the first one which was made in the world in 1928 or is the first one which was discovered in 1928 was penicillin which was made by a fungus called penicillium like you can see the penicillium fungus here whose fungus tha sabse pehle, dr alexander fleming okay. in december 1920 when dr alexander fleming performed a technique which is called as स्पिट प्लेट टेक्निक स्पिट प्लेट टेक्निक मीन्स वॉट स्पिट प्लेट और कफ किया था उस प्लेट के ऊपर उसने थूका था उस प्लेट के ऊपर और प्लेट को बंद करके इवेंट ऑन ईव तीन दिनों के बाद उस प्लेट को देखने के बाद दैट प्लेट डिंट हैिया बैक्टीरिया वहाँ पे रहनी चाहिए क्योंकि हम लोग के माउथ में बहुत सारे बैक्टेरिया रहते हैं बट वॉट हि गॉड वॉज अलोंग विद दी बैक्टीरिया ही गॉड ऑफ फंगस विच इज पेनेलियम Which was growing on that plate and that penicillium fungus was killing all the bacteria in the vicinity. मतलब आजू बाजू में जितने भी बैक्टीरिया थे सब बैक्टीरिया को वो पेनिसलियम फंगस मार रहा था इसका मतलब क्या शायद उसने कुछ तो ऐसा बनाया रहेगा जिसके वजह से बैक्टीरिया आर डेड And the bacteria which is found in your mouth, which means they are dangerous. मतलब ऐसे डेंजरस बैक्टीरिया को मारने के लिए फंगस कुछ ना कुछ तो बना रहा था एंड ही आइसोलेटेड वॉट वॉज मेड देर एंड इट वॉज पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ओके उसने ढूंढा वहां पे कि वहाँ पे पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक मिलता है और इसी के वजह से वर्ल्ड में आज हम लोग को एंटीबायोटिक्स मिलते हैं हर एक डिसीज के लिए एंटीबायोटिक्स आर सिंपली अ मेडिसिन विच इज मेड बाय वन फंगस अगेन समथिंग एल्स विच इज बैक्टीरिया बैक्टीरिया को मारने के लिए यही मेडिसिन वहां पर बनाया जाते हैं हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं है खुद ब खुद फंगस हम लोग को वो सब कुछ बना के दे रहा है विच मीनस वॉट दिस पेनिसिलियम इज अ यूजफुल फंगस विच इज हेल्पिंग अस इन कम्बैटिंग एनी डिसीज द डिसीजेस विच ऑकर इनसाइड ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन के डिसीजे जो अभी आपको होते हैं कफ रहने दो या फिर निमोनिया रहने दो फिर कोई भी ऐसा डिसीज रहने दो जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को होने वाला है ऐसे बहुत सारे डिसीजेस को एंटीबायोटिक्स मार सकते हैं नॉट जस्ट दिस पार्ट But even the diseases of your stomach, diseases of your intestine, disease of your skin, all these diseases can be killed only by antibiotics. Something which was not made by humans, but as well as made by fungus and just humans want to isolate that. तो अगर हमलोग को वो सिर्फ निकालना है फंगस से बाहर और फिर हमलोग वो दवाई बोलके बेच सकते हैं। Okay? This was a completely accidental discovery done by डॉक्टर अलेगजेंडर फ्लेमिंग उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था कि मुझे ऐसा कोई तो डिस्कवरी करना है जस्ट ऑन अ प्लेट और वो प्लेट बंद करके वो चला गया और उसके बाद उसने उस प्लेट के ऊपर ऐसा एक फंगस ढूंढा जो फंगस ने उस बैक्टीरिया को मारना चालू किया था जो बैक्टीरिया हम लोग को डिसीज दे सकता है एंड देयर फोर दिस पर्सन बाय हिज एक्सीडेंटल डिस्कवरी गॉट दी नोबल प्राइज ओके ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंटल डिस्कवरीज है एक्सीडेंटल मीन वॉट उसको कोई भी इंटेंशन नहीं था वहां पर डिस्कवरी करने का लेकिन तो भी वहां पर उसको डिस्कवरी के

इनसाइड माई वेन्स वेन्स मीन्स और ब्लड वेसल आपके ब्लड वेसल के अंदर एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन दिया जाता है इसमें क्या हो रहा है जितना एंटीबायोटिक है पूरा का पूरा आपके ब्लड के अंदर आता है बराबर कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हो क्योंकि आपके ब्लड के अंदर एच नहीं रहता है तो आपका पूरा का पूरा एंटीबायोटिक आपके ब्लड के अंदर आता है जब भी आपका इंफेक्शन सीरियस रहेगा आपको इस प्रकार से एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे अगर आपका इन्फेक्शन सीरियस नहीं है विल बी गिवन द ओरल वे क्योंकि वहां पर ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं चाहिए आपको नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज आई एम इज कॉल्ड एज इंट्रा मस्क्यूलर मतलब आपके मसल्स के अंदर ये इंजेक्शन दे रहा है था रीजन तो वहां पे इंजेक्शन देने के बाद और यहां पे इंजेक्शन देने के लिए दोनों में फर्क क्या है यहां पे जब भी आपको इंजेक्शन दिया जाएगा इंजेक्शन विल बी होल्ड एट एंगल ऑफ 25 फाइव डिग्री इंटू यू योर ब्लड वेसल आपके ब्लड वेसल के अंदर इंजेक्शन दिया जा रहा है यहाँ पे इंजेक्शन नाइंटी डिग्रीज पे होल्ड करके पूरा का पूरा इंजेक्शन आपके बॉडी के अंदर डाला जाता है कंप्लीट इंजेक्शन इज इंसर्टेड इन साइड यूर बॉडी एंड देर फॉर वॉट है इंजेक्शन टू यर मसल नॉट टू यर यू मे ब्रेक योर ब्लड वेसल्स इफ यू इंजेक्ट टू मच इन साइड एंड टू टेक केयर वाई आई वी बराबर इंजेक्शन भी जब भी आपका कंडीशन सीरियस रहेगा तभी आपको आई एम से इंजेक्शन दिया जाएगा वैल द लास्ट वी लुकिंग हियर इज कॉल्ड एज आई पी डेट इज इंट्रा पेरिटोनियल वॉट डू यू मीन बाई पेरिटोनियम सो बेसिकली रिमेंबर दैट इफ यू टॉक अबाउट दिस आपका स्किन है यहाँ पे और, और्गेंस है. और्गेंस और स्किन के पीछे सब ऑर्गेन्स है ऑर्गेन्स और स्किन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है ियम बराबर इस गैप में इंजेक्शन दिया जाता है like ऑर्गेन्स और स्किन के बीच में का गैप उस तो गैप में वहां पर इंजेक्शन दिया जाएगा वो इंजेक्शन वहां पर देने के बाद जो कुछ भी इंजेक्शन में था वो सब कुछ आपका ऑर्गेन्स एब्जॉर्ब करेंगे ऑर्गेन्स ने एक बार एब्सॉर्ब किया यूज फॉर एक्चुअली ट्रीटिंग द डिसीज दिस इज गिवन टू यू ओनली इन द केस ऑफ रेबीज वॉज गिवन टू इन द केस ऑफ रेबीज क्योंकि रेबीज एक डेंजरस डिजीज था अभी वहां पर ऐसे इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है कैन गिव यू इंजेक्शन योर ब्लड यूर मसल ट्रूगड़ आई एम सो दिज आर दी फोर वे बाय विच यू कैन गिव द इंजेक्शन इन साइड द ह्यूमन बॉडी लेस डेंजरस और इज द लीस्ट डेंजरस इज ओरल वे क्योंकि आपको सिर्फ मेडिसिन माउथ से लेना है मोस्ट डेंजरस Okay? इंजेक्शन a, a थोड़ा सा भी ज्यादा अंदर गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है आपका ब्लड वेसल वहां पर फट सकता है इफ योर ब्लड वेसल इज ब्रोकन ब्लड विल मूव आउट एंड दैट यू डोंट वॉन्ट सिमिलरली यू ऑल्सो नो अबाउट कलेक्टिंग दी ब्लड सो वी कलेक्ट आर ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल राइट आपको जब भी ब्लड देना है डॉक्टर को टेस्टिंग के लिए तब डॉक्टर्स आपके ये ब्लड वेसल के अंदर इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं। ले लेते। mouse, is, का अवेलेबल नहीं है समझो अगर माउस के टेल में ब्लड नहीं निकालेंगे तो और एक ईजियर वे है माउस से ब्लड निकालने का एंड दैट इज थ्रू हिज आई माउस के आंखों में इंजेक्शन डाला जाएगा और आंखों से इंजेक्शन डालने के बाद वहां से ब्लड कलेक्ट किया जाता है दैट रादर इजी वे टू कलेक्ट दी ब्लड फ्रॉम दी mouse eyes so in this way antibiotics are the basically medicines which are made by fungus discovered by dr alexander fleming in the year 1928 december 1928 accidental discovery for which he got the nobel prize today many such antibiotics are made and all those antibiotics are always derived from this one organism and that is fungus फंगस ऐसी दवाइयां बनाता है जिसकी वजह से आज हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं बराबर फंगस ने आपको कुछ तो इम्पोर्टेंट दिया एंडर फॉर दिस फंगस इज एन यूजफुल फंगस एज ने वर्ल्ड में सबसे पहला एंटीबायोटिक एंटीबायोटिकलियम एंड दे पर्सन हु डिस्कवर्ड दैट मिस डॉक्टर एलेक्सेंडर फ्लेमिंग वेल ऑल दी टू इंसर्ट और टू एडमिनिस्टर दैट एंटीबायोटिक इन टू योर बॉडी लीस्ट डेंजरस मोस्ट डेंजरस समवेयर इन द दिडल बट स्टिल रिस्की Okay, so in this way, these are the antibiotics which will be given to us whenever we are actually suffering from any disease. So, thank you for attending this session.